कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ये आजकल नया नाम आप सुने होंगे कि सब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कैसा रहेगा। कोल्ड प्रेस्ड का क्या मतलब है मालूम है? जब हम लोग कोई भी सीड से तेल बनाते हैं तो उसको पहले हीट करते हैं, और हीट करने के बाद उसको फिर पीस के उसमें से तेल निकला जाता है। जो कोल्ड प्रेस्ड है, इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग है कि इसमें क्या करते हैं, उसको क्रश करके उसको पेस्ट बनाते हैं, और पेस्ट को बहुत ज़्यादा दबा के उससे तेल निकाल लेते हैं, तो हीट नहीं किया जाता है। इसके फायदे नुकसान दोनों हैं। फायदा ये है कि ये जो तेल के अंदर जो और भी थोड़े बहुत मिनरल्स और विटामिन्स और वो होता है, वो लॉस नहीं होता है, और उसकी खुशबू नहीं जाती है। और जो ऑयल, जब उसको हम लोग हीट करते हैं, तो उसमें एक चीज़ गड़बड़ हो जाती है कि उसके अंदर जो पॉली अनसेचुरेटेड ऑयल होती है वो चेंज हो जाती है। उसके अंदर जो उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, उसके अंदर और भी ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो ऑयल ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोल्ड प्रेस्ड जो ऑयल होता है, इसको अगर हीट ना किया जाए बहुत दिन तक चलता है, तो ये उसकी फ़र्क है। पर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। इसमें करीब 90 से 95% तेल ही होता है, और वो ट्राइग्लिसराइड ही है। तो कोल्ड प्रेस्ड से इम्प्रेस्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की एक और चीज़ है कि हर हर सीड को कोल्ड प्रेस नहीं किया जा सकता। ऑलिव ऑयल को कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल को कर सकते हैं, सिसम को कर सकते हैं, कनोला ऑयल को कर सकते हैं, और सनफ्लावर को कर सकते हैं। ये 5-6 लोगों को कोल्ड प्रेस करके निकाला जा सकता है, और उसमें एक्सट्रैक्शन थोड़ा कम हो पाता है। जैसे अगर 15 ग्राम का तेल बनाना हो, तो 15 ग्राम अगर आप लेंगे तो उसमें से 13.5 ग्राम ही तेल होगी, तो 1-1.5 ग्राम वो निकाल नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसका दाम थोड़ा ज़्यादा होता है। पर कोल्ड प्रेस्ड होने से आदमी क्या सोचता है, अब तो तेल की सारी खराबी खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। वही तेल होता है, वही ट्राइग्लिसराइड होता है, तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से कुछ फ़ायदा एक्स्ट्रा नहीं होने वाला, ये बात मान के चलिए। और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को एक बात और बता दूँ, इसको हीट करके जो फ्राई करते हैं उसमें कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसको ज़्यादातर दिया जाता है ड्रेसिंग के लिए, तो अगर कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल हो तो उसको ड्रेसिंग में यूज़ करें। इसको ज़्यादा हीट किया तो उसकी जो जो भी थोड़ी बहुत वो दूसरे ऑयल से अच्छा ये वो भी ख़राब हो जाता है, और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हमारे साउल की तरफ से मना है, ना वजन के हिसाब से, ना हार्ट के हिसाब से। याद रखिए, हार्ट की बीमारी आज बढ़ते जा रही है। लोग तरह तरह की वो दे देते हैं कि भाई इसमें तो कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, तेल में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। तो ऐसे ही कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, या बोल दिया पूफा है, मूफा है। ये पूफा मूफा क्या है ये भी आपको एक दिन बताऊंगा। तो ये पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इस तरह के नए नए टर्म दे देते हैं, और आदमी घबरा जाता है, बोलता है नहीं अब तो बहुत अच्छा हो गया होगा ऑयल। पर याद रखिए, सारे ऑयल एक से हैं, तो जीरो ऑयल इज़ द फ्यूचर। और खाने का, कुकिंग का जो साउल का पद्धति है, ये बेस्ट है। जीरो ऑयल का खाना फ्यूचर में सबको खाना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट की बीमारी बढ़ते जा रही है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा बढ़ते जा रहा है, तो खाने में तेल डालने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। गॉड ने हमारे खाने में जितना नेचुरल ऑयल दिया वो बहुत है, अलग से नट्स को क्रैश करके तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये वीडियो, ये कंसेप्ट समझ आया हो, तो इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हार्ट का कोई भी मरीज हो, उनको हमारे पास भेजिए, उनको हम हार्ट की बीमारी का सारा सॉल्यूशन देते हैं। थैंक यू सो मच।